सरकार की ऑनलाइन परचेजिंग के विरोध में प्रदेश के आढ़ती हड़ताल पर है। हड़ताल का असर टोहाना क्षेत्र में भी देखने को मिला। यहां सभी दुकानें सुबह से ही बंद रही। ई ट्रेडिंग के विरोध में आढ़ती यूनियन ने मार्केट कमेटी में जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि या राजा मूर्ख है या जनता। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो आने वाले समय में देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ना औषधि मिलती है और ना दाह संस्कार के लिए लकड़ियां मिलो, तो ऐसा राजा जिसकी ऐसी नीतियां हो, या तो वो राजा मूर्ख है अपनी स्वयं जनता का त्याग बताकर अपनी पीठ थपथपाता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, या मूर्ख राजा है या जनता है, इसमें से एक का अंत होना है। या तो आने वाले समय के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। मैं दावे से कहता हूं कि अगर दोबारा गलती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का कहना है कि सरकार ही नहीं बल्कि विपक्ष भी उनके साथ नहीं है। व्यापारियों ने चेतावनी दी, अगर उन्हें दबाया गया तो सभी व्यापारी सड़कों पर आ जाएंगे। चीज का बात है जी, कहीं भी कोई बगैर व्यापारी के कहीं भी कोई धरना होता है, सारा विपक्ष वहाँ इकट्ठा हो जाता है। 3 साल से किसी विपक्ष ने आज तक हमारी किसी रैली में आके ये नहीं कहा भी हम व्यापारियों के साथ है, भी यदि हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा किसी विपक्ष ने आज तक नहीं कहा। क्योंकि व्यापारी को सबसे कमजोर तबका माना जाता है। ये कमजोर नहीं है, ये शांति प्रिय लोग हैं, शांति से रहना जानते हैं। यदि ये लोग इसी तरह इनको दबाया गया तो शायद ये बहुत खतरनाक हो जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। जब भी कभी कौम कोई मार्शल कौम बनी है वो ये नहीं है अभी उसको जरूर, जब उसके पेट की बात आई है तो वो कौम मार्शल हो गई। कम से कम इस 3 साल में ना 8 बार CM साहब से मिल चुके हैं। ये काम एक बार हुड्डा साहब ने भी किया था, खैर उनसे एक बार मिलने के बाद 3 साल निकल गए थे। ये नहीं भी उन्होंने कोई ऐसा कानून बना दिया था चलो भी ता जिंदगी ये ऐसा काम नहीं होगा। तो खट्टर साहब से तो निवेदन भी हम कर चुके हैं, बार बार 8 बार मिल चुके हैं। तो यहाँ टोहाना आने पे यदि उनसे निवेदन करेंगे बात तो वही की वही है। जब राज्य सत्र पर हम उनकी मीटिंगें अटेंड कर चुके, उनसे निवेदन कर चुके, हर 3 महीने बाद वो अपने फैसले से बदल जाती है सरकार, तो बार बार इनसे मिलने का कोई औचित्य मैं नहीं मानता भी है कोई। तो हम तो सिर्फ 14 तारीख तक इनका इंतजार करेंगे, ये अपने काले तालिबान फैसले वापस लेते हैं, वरना फिर हम तो अनिश्चित काल के लिए धरने पे हैं और सरकार अपना माल खरीदे। जब किसान सड़क पे आ जाएगा आज के 7 दिन बाद तो सरकार को अपने आप पता लग जाएगा विद्यार्थी क्या करते हैं। ये सरकार जिद्दी सरकार है, इनकी एक जिद है कि हमें आढ़तियों को बाहर निकालना है, जबकि इनको पूर्णतः शायद इस चीज़ का ज्ञान नहीं भी किसान यदि खुशहाल है आज हरियाणा पंजाब में तो सिर्फ और सिर्फ आढ़तियों की देन से है। टोहाना में मुख्यमंत्री के दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए व्यापारियों का कहना है कि वो लोग 8 बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं पर उनकी समस्या का कोई हल नहीं हुआ। गुस्साए व्यापारियों ने मौजूदा सरकार को जिद्दी सरकार कहा। साथ उन्होंने कहा कि आगे जो भी किया जाएगा वो राज्य स्तरीय कमेटी के दिशा निर्देश में किया जाएगा। प्रथम तहलका के लिए टोहाना से नवल सिंह।